जैसे कि आपको पता है चीजल, चीजल हमारे क्या है, एक प्रकार का कटिंग टूल टूल है। कोई भी कटिंग कार्य करना है तो चीजल का प्रयोग करते हैं, चीजल के साथ हम हैमर का प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार से हमें एक्स्ट्रा मेटल काट करके हटाना है तो चीजल का प्रयोग करते हैं। चीजल ये हमारा हेडिंग हो गया। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ चीजल, चीजल कितने प्रकार के होते हैं। चीजल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है हमारा हॉट चीजल, दूसरा होता है कोल्ड चीजल। हॉट चीजल क्या होता है, हॉट चीजल का प्रयोग हम गर्म कार्य में करते हैं, जैसे किसी लोहे के टुकड़े को गर्म कर दिए तो उसे डायरेक्ट सीधे वहाँ पे सामान्य रूप से चीजल को रख करके हाथ से नहीं पकड़ सकते, वहाँ हाथ में इंजरी होने का खतरा होने का चांसेस बना रहता है, इसलिए वहाँ पे हॉट चीजल का प्रयोग करते हैं। हॉट चीजल की बनावट कैसे होती है, बिल्कुल कुल्हाड़ी के समान होती है, उसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, उसके एज को 30 डिग्री तक टेपर में बनाया जाता है और काफ़ी शार्प होता है, वो कुल्हाड़ी के समान होता है। उसे डायरेक्ट गर्म जो भी हमारा मेटल है उस पर रख करके ऊपर से हैमरिंग करते हैं स्लेज हैमर के द्वारा और पार्ट हमारा कट जाता है। ये हो गया हमारा क्या, हॉट चीजल। उसके बाद आता है कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल क्या होता है, सामान्य कार्यों में नॉर्मल कार्यों के लिए कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं। कोल्ड चीजल जैसे आपने देख रहा होगा सामान्य तौर पर घरों में भी प्रयोग होता है, ईंट की कटाई के लिए, लकड़ी की कटाई के लिए, लोहे के मेटल के लिए, नर्म धातुओं से ऊपर एक्स्ट्रा मेटल हटाने के लिए कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं। कोल्ड चीजल भी कई प्रकार के होते हैं। कोल्ड चीजल के प्रकार हम देखेंगे, पहला होता है फ्लैट चीजल, फ्लैट चीजल के बाद होता है हमारा कैप चीजल, या फिर कहें क्रॉस कट चीजल, फिर उसके बाद आता है हमारा डायमंड पॉइंट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल के बाद आता है हमारा राउंड नोज चीजल, राउंड नोज चीजल के बाद आता है हमारा वेव चीजल, वेव चीजल के बाद आता है हमारा साइड कट चीजल। अब सबसे पहले देखेंगे फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल क्या होता है, फ्लैट चीजल का कार्य सामान्य कार्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक चीजल का डायग्राम बना रखा है, ये हमारा एक प्रकार का फ्लैट चीजल ही है। ये चिपिंग कार्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारे पास ये कोई मेटल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेटल है, इसके काट करके हटाने का हम किस चीजल का प्रयोग करेंगे, फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल को यहाँ पे रख करके ऊपर से हैमरिंग करेंगे और ये हमारा मेटल हट जाएगा। फ्लैट चीजल का प्रयोग सामान्य कार्यों में करते हैं चिपिंग के लिए। इसके बाद आता है हमारा कैप चीजल, या फिर क्या है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कहाँ होता है, चाबी गार्ड बनाने में। जैसे हमारा की है, की डिजाइनिंग कैसे होती है, ऊपर को एक सिरा जाता है, फिर बीच में खाली होता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे जाता है ना, ये बिल्कुल हमारा की का शेप ऐसे बनता है। तो ये बीच बीच में ग्रूव बनाने होते हैं तो कैप चीजल या फिर क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल फ्लैट चीजल के समान ही होता है, लेकिन इसका जो होता है एज बिल्कुल समानांतर रूप से ना होकर के इसके हेड को क्रॉस करता है, इसलिए इसे क्रॉस कट चीजल भी कहते हैं। फिर आता है हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल क्या होता है, डायमंड पॉइंट चीजल जैसे हमारा एक कोई राइट एंगल है 90 डिग्री पर जुड़ा हुआ कोई पार्ट है, अब बीच में कोई एक्स्ट्रा मेटल रह जाता है, तो इसे हटाने के लिए, इस कॉर्नर को साफ करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हमारा ग्रूव काफ़ी अच्छा बन जाता है और एक्स्ट्रा मेटल हट जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा राउंड नोज चीजल। राउंड नोज चीजल क्या होता है, एक खोखले बेलन के समान होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ बनाते हैं, तेल की नालियाँ बनाने में, ऑयल ग्रूव बनाने में। कोई भी हमें ग्रूव बनाना है, जैसे ग्रूव बनाते हैं ना कि बीच में खाली 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 नालियों के समान ग्रूव बनाना है, तो किस चीजल का प्रयोग करते हैं, राउंड नोज चीजल का, इसके द्वारा ग्रूव बन जाता है। फिर आता है वेव चीजल। वेव चीजल का प्रयोग क्या करते हैं, जैसे हमने किसी पार्ट पे चेन ड्रिलिंग किया, ये हमारा एक जॉब है, इस पे हमने चेन ड्रिलिंग किया, ये हमारा होल हो गया, ये होल हो गया, ये होल हो गया, ये होल हो गया, हमने ये बीच का हमें पार्ट हटाना था तो हमने होल किया, ये हमें बीच का पार्ट हटाना है तो हमने बीच में चेन ड्रिलिंग किया। लाइन से ड्रिलिंग करने को चेन ड्रिलिंग बोलते हैं, चेन ड्रिलिंग किया, लेकिन फिर भी ड्रिलिंग करने से क्या है, मेटल हट जाएगा, नहीं हटेगा, तो इसके लिए हम चीजल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कौन सा चीजल का प्रयोग करेंगे, वेव चीजल। वेव चीजल का प्रयोग कैसे करेंगे, इन दो पार्टों के बीच में वेव चीजल को रखेंगे, ऊपर से हैमरिंग करेंगे तो ये मेटल बीच का हट जाता है। फिर बिल्कुल क्या करते हैं, सेम ऐसे इसका भी रखते हैं, सेम इस मेटल को इस सिरे से हटा लेते हैं, फिर ऐसे इसका भी हटा लेते हैं, तो वेव चीजल का प्रयोग ये हो जाता है। फिर इसके बाद आता है साइड कट चीजल। साइड कट चीजल क्या होता है, घरों में, बिल्डिंगों में, उद्योगों में, हर जगह वायरिंग होती है, तो जो दीवार बन जाता है तो दीवार पे ग्रू काटना होता है, तो दीवार पे ग्रू काटने के लिए साइड कट चीजल का प्रयोग करते हैं। साइड कट चीजल की बनावट देखेंगे हम, साइड कट चीजल बिल्कुल यहाँ जाकर के और 90 डिग्री मोड़ करके ऐसे होता है,
यहाँ पे हैमरिंग करते हैं और यहाँ का पार्ट हटता रहता है, तो इसे अंदर दसा करके बाहर से, जैसे हमारा दीवार अब चीजें लगाएंगे तो दीवार में आपने चोट लगाएंगे दीवार के जरिए, तो चीजल अंदर को दबा रहता है, फिर ऊपर से हैमरिंग करते हैं तो आसानी से वो ग्रूव बनता जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, वायरिंग में, इलेक्ट्रिशियन के द्वारा साइड कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे रहे आज के चीजल, चीजल को क्या हॉट चीजल, कोल्ड चीजल। हॉट चीजल गर्म कार्यों में प्रयोग करते हैं, फिर आया कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल के प्रकार आया, फ्लैट चीजल आया, कैप चीजल आया, डायमंड पॉइंट चीजल आया, राउंड नोज चीजल आया, वेब चीजल आया और साइड कट चीजल आया। फिर हमने बताया फ्लैट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सामान्य कार्यों में। फिर हमने बताया क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, चाबी घाट में। फिर हमने बताया डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, 90 डिग्री पे जुड़ी हुई कोई पार्ट से रूपीज के हटाने के लिए, मेटल को हटाने के लिए। फिर उसके बाद राउंड नोज चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑयल ग्रूव बनाने में। वेब चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, चेन ड्रिलिंग करने के बाद बीच का मेटल हटाने के लिए। फिर इसके बाद साइड कट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए या फिर दीवारों पर झिरिया काटने के लिए, ग्रूव बनाने के लिए। ठीक है।